तो गाइस लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आधी कटोरी शक्कर का भूरा, फिर कुछ काजू, बादाम, गोंद। अब आप सोचेंगे ये गोंद यानी ग्लू होगा, बट नहीं, ये गोंद इस तरह का होता है, थोड़ा क्रिस्टल टाइप का दिखता है, वो यूज़ होता है लड्डू में सर्दियों के समय। फिर कुछ मखाने, ग्रेटेड कोकोनट और किशमिश। और यहाँ पे जो है हमारे पास आधा कटोरी घी यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, और आधा कटोरी वो आटा है फलारी आटा, जिसकी मैं बहुत सी रेसिपीज़ भी ला चुकी हूँ। ये वाला आटा जो है मैं यूज़ करने जा रही हूँ फिर से इसी के साथ, और बहुत मज़ा आएगा। ये लड्डू बनाते वक्त बहुत ही आसान तरीका है और यही आटा यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपन चलते हैं। अब जो है कढ़ाई के अंदर हम 3 स्पून घी डालने वाले हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे जो है हमने 3 स्पून घी डाल दिया है, और अब जो है हमें इस घी का थोड़ा सा गर्म होने का वेट करना है। याद रखिएगा फ्लेम जो है वो मीडियम पे होनी चाहिए। अब जो है घी गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर हम आलमंड्स डालेंगे यानी बादाम। और अब यहाँ पे मैं बादाम डाल चुकी हूँ, और बादाम को जो है हमें इसके अंदर हल्का फ्राई करना है यानी वो हल्की ब्राउन हो जाए, हमें इसे तब तक जो है फ्राई करते रहना है, और उसके बाद जो है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो है यहाँ पे बादाम हो चुकी हैं और मैंने फटाफट से जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ, और ये देखिए मैंने सारी की सारी बादाम निकाल दी है, और एक एक करके हम सबको करेंगे, मतलब सबको सेकेंगे, इसके अंदर फ्राई करेंगे। और अब बारी है काजू की, और काजू को भी हम जो है हल्का ब्राउन तक वेट करना है। तो यहाँ पे जो है काजू हो चुके हैं, मैंने प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब बारी है फ्राई करने की, वो गोंद की। आप गोंद को जो है जब डालें तो उससे पहले गैस को मीडियम पे कर लीजिएगा, क्योंकि हाई पे रहेगी फ्लेम तो वो उछल सकते हैं, पॉपकॉर्न की तरह ऐसा होता है, तो इसलिए आप मीडियम पे रखिएगा फ्लेम को, और इन्हें भी अपन हल्का फ्राई कर। तो अब जो है ये गोंद हो चुका है और हम इन्हें जो है प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट से, और अब बारी है मखानों को सेकने की। तो फटाफट से मखानों को सेके हैं, क्योंकि हम इसे लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घी जो है वो सोख लेगा, इसलिए जो है हम इसे लास्ट में फ्राई कर रहे हैं। तो गाइज अब जो मखाने हो चुके हैं ना, देख सकते हैं थोड़ा सा घी फिर भी बच गया है। वाह गाइज, अच्छा हुआ बच गया, हैशटैग घी की महंगाई। और अब इसी में जो है ना अपन 1 चम्मच घी डाल के आटा सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी इसके अंदर डाल दिया है, और इसके ब्राउन होने तक जो है हमें इसके अंदर सेकता है। तो अब आप देख सकते हैं जो है ब्राउन हो चुका है आटा, और अब जो है हम इसे फटाफट से किसी बाउल या प्लेट में निकाल लीजिए, क्योंकि आगे का प्रोसेस भी अपन को करना है। तो ये सारे के सारा आटा है मैंने इसके अंदर निकाल लिया एक बाउल के अंदर, और अब आगे की तरफ अपन चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मिक्सी के अंदर जो अपने सारी चीज़ें फ्राई करी थी ना, वो मैं इसके अंदर क्रश करने वाली हूँ यानी पीसने वाली हूँ, यानी मिक्स करने वाली हूँ। अब जो कहना चाहो वो सोच लो, पर मैं तो इसको क्रश करने जा रही हूँ। जो है ये क्रश हो चुका है, और मैं इसके ऊपर का लेड हटा के दिखाती हूँ, और ये देखिए इस तरह से इसका एक पेस्ट बन गया। अभी हल्का से धुआं आया था क्योंकि गर्म था इसलिए। और अब जो है मैं आपको एक स्पून की हेल्प से हटा के भी दिखा देती हूँ, और थोड़े से लेके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से पिसना चाहिए। यार एकदम मतलब अच्छी तरह से पिस गया, एकदम बारीक हो चुका है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। कभी कभी कैमरा ब्लर हो जाता है तो मत सोचिएगा। तो ये देखिए इधर पे अच्छी से पिस चुका है क्या क्या बोल देती हूँ। और अब जो है यहाँ पे जो आटा हमने इसे फ्राई करा था हल्का सा, अब इसके ऊपर जो है हमने जो क्रश करा हुआ था वो इसके ऊपर जो है हम पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। अब जो है मैंने साग सा इसके अंदर डाल दिया, और अब बाद इसके अंदर थोड़ी सी रेजिन्स यानी कि किशमिश डालने की मैंने डाल दी है इसके अंदर, और यहाँ पे जो है नारियल का पूरा है यानी ग्रेटेड कोकोनट, और ये भी हम इसके अंदर पूरा का पूरा डाल देंगे, क्योंकि इसके साथ जो है एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा लड्डू के अंदर ग्रेटेड कोकोनट के साथ। और अब बारी है इसके अंदर शक्कर का भूरा डालने की यानी पिसी हुई शक्कर जो है वो डालने की। सो आप चाहे तो गुड़ से भी बना सकते थे, बट मैंने यहाँ पे पिसी हुई शक्कर डाली, उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा गुड़ के मुताबिक। और अब जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा कार्डमम डालेंगे यानी कि इलायची। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हाथों से मतलब पीस ली थी, और ये मैंने इसके अंदर डाल दी है, इससे भी एक अलग टेस्ट आता है लड्डू के अंदर जो कि बहुत अच्छा होता है। और अब बारी है इसके अंदर घी डालने की, जो घी बचा था अब क्या करें, हैशटैग घी की महंगाई, इसी घी से हमने सब कर लिया काम पूरी वीडियो में। और ये पूरे का पूरा घी इसके अंदर डाल दिया है, और इसे फटाफट से अपन मिक्स कर लेते हैं। तो अब जो है ये आटा रेडी हो चुका है लड्डू का, पर रुकी बनाने से पहले अगर आपने कुछ भी हाथ में पहन रखा है तो उसे अलग कर लीजिएगा, क्या पता बनाते बनाते वो उसमें मिक्स हो गया। तो
क्या होगा फिर। तो चलिए अब लड्डू बनाते हैं। आप किसी भी स्टाइल से बना सकते हैं, जिस स्टाइल से आप लड्डुओं को रेडी करते हैं मैं मेरे स्टाइल से यहाँ पे करूँगी। और अब आप देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा लड्डू रेडी हो चुका है कितने आसानी से। अगर आपके लड्डू नहीं बनते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा दूध छिड़क के कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए आपके सारे के सारे टेस्टी से लड्डू रेडी हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और लास्ट मैंने जो था इस पर कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट जो था वो मैंने डाल दिया था क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था ऐसे उसको ऊपर उसके साथ खाने में इसलिए। और गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। रुकी रुकी पहले कहीं मत जाइए, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चार लोगों से वहाँ तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।